बछड़ों का एक स्पेशलिटी मेरे को आज जानने को मिली, यहाँ पे जानने को मिली कि होता क्या है यहाँ पे, कि इन जो बछड़ों को इनकी माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस टाइम पे मैं हूँ पंतनगर में, और पंतनगर में आज मैं आपको एक एक करके हर चीज़ पंतनगर की आज आपको दिखाने वाला हूँ स्टार्टिंग से। तो इस समय मैं हूँ पंतनगर के कुक्कुट फार्म में, जो कि जिसे मुर्गी पालन भी कहते हैं और पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं भी पहुँचा हूँ, और पोल्ट्री फार्म से लेके मैं लास्ट हवाई अड्डे तक का सारी जानकारी, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो भैया, अभी मैं कुक्कुट फार्म में पहुँचा ही था, तो कुक्कुट फार्म से जस्ट पीछे ये कुक्कुट फार्म रहा, और इसके जस्ट बगल में भाई पूरा जो सरसों की खेती है ना, पूरी सरसों की खेती है, और पूरा पीला हो रखा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और सामने भाई सूरज चाचा बिल्कुल एकदम ऊपर आसमान पे चढ़ चुके हैं, और भाई बिल्कुल हरियाली है। तो फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ, और आपको कुक्कुट फार्म के थोड़े बहुत नज़ारे दिखाते हैं, क्योंकि अंदर इस टाइम पर अलाउ नहीं है अंदर जाना। तो मैं आपको बाहर से ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा देता हूँ कि कुक्कुट फार्म कैसा है यहाँ का। तो दोस्तों, ये है सामने कुक्कुट फार्म का मेन गेट, और आज तो भाई अलाउ नहीं है यहाँ पे जाना, तो मैं एक्चुअली बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन गेट है, यहाँ पे मॉर्निंग में अंडे वगैरह यहाँ से मतलब दिए जाते हैं, बाकी ये है मेन गेट यहाँ का। और चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म से थोड़ा सा पास में ही यहाँ पे आपको यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है, छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है वो है मेन पंतनगर के अंदर, पंतनगर मार्केट के अंदर। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। सामने मैं देख पा रहा हूँ कैचुआ पालन का भी एक है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं अगर अलाउ है आज तो दिखा देंगे, अदरवाइज़ मैं बाहर से ही आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा दूँगा। तो गाइज़, हम लोग पहुँच चुके हैं कैचुआ पालन केंद्र में, और यहाँ पे जो है कैचुआ पालन इकाई है। और ये जो ये बेड बना हुआ है ना, ये बेड बना हुआ है मिट्टी गोबर गोबर का है। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल जो बना हुआ है ना, ये गोबर का बना हुआ है। ठंडा करा जाता है, ठंडा गर्म, तो फिर बाद केचुआ छोड़ा जाता है। पहले इसको ठंडा गर्म, कैसे ठंडा गर्म करते हैं? अब ये पड़ा है, ये ठंडा होता है, ठंडा होगा। हाँ, फिर अब उसके बाद बेड बनी, तब फिर पानी पड़ी इस पे। फिर इसमें पानी पड़ेगा, पानी पड़े के बाद में यहाँ तब केचुआ, फिर केचुआ अपने आप आएगा। नहीं, लाइट डाल कर लाके। तो केचुआ लाते कहाँ से? केचुआ है अंदर है, फिर उधर है, मतलब अच्छा इधर पड़े हुए हैं। तो ये अभी क्यों वो कर रखे हैं, इसके ऊपर पराल डाल रखा है, क्यों डाला हुआ है? ये पराल से थोड़ा जो चिड़िया फिड़िया, अच्छा वो खाएगी नहीं, उनके बचाव के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, कि ऊपर से ये पराल वगैरह डाल रखा है, तो ये पराल जो इनकी सेफ्टी के लिए डाल रखा है, जो कि चिड़िया वगैरह हैं वो आके इनको उठा के ना ले जाए। और बाकी ये तैयार है, ये माल तैयार है, केचुआ ही में है ये। तो ये मतलब छोटी सी कैचुए लाते होगे, कहाँ से लेके आते हैं कैचुए? कैचुआ यहीं कहाँ है, यहीं के? हाँ, मतलब शुरुआत कहीं से ना कहीं से तो होती होगी इनकी। हाँ, यहाँ पे अपने आप ही हो जाते हैं? हाँ, ये वही खाते हैं गोबर, और वही में अंडे बच्चे वही में पैदा होने कर। अच्छा, फिर उसके बाद इनको खेतों में डाला जाता है? नहीं नहीं, यहाँ के खेतों में नहीं जाता है ये। ये तो यहीं का ये माल है, जिसे अगर कोई खरीदने ले जाता है। अच्छा, यहाँ से कैचुआ खरीद के ले जाते हैं यहाँ से? 600 रुपये किलो है कैचुआ। हाँ, खाली कैचुआ या मिट्टी के ना साथ? ना, कैचुआ, कैचुआ, कैचुआ 600 रुपये किलो। ओह माय गॉड, 600 रुपये किलो। तो भाई, जिन कैचुए की ना हम लोग कदर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर भाई 600 रुपये किलो कैचुआ यहाँ पे मिलता है, जो कि किसान ले जाते हैं अपने अलग अलग देश विदेश दुनिया जहाँ पे भी मतलब अपनी खेती वेती करना शुरू करते हैं ना, तो ये यहाँ से आप 600 रुपये किलो ले जा सकते हैं। बाकी 600 रुपये कुंटल खाद, कौन सा खाद? ये बोरिंग पैक। अच्छा, ये किस चीज़ की खाद है? तो दोस्तों, ये है बर्मी कंपोस्ट खाद, ये आप कुछ इस तरह से है। तो ये किस किस चीज़ की है, गोबर की? और गोबर है, टोटल गोबर, गोबर और ये कुट्टी जो जानवर खाते हैं, चारा बच जाते हैं। हाँ, तो ये बर्मी कंपोस्ट खाद है, ये जो है 600 रुपये कुंटल। हाँ, 600 रुपये कुंटल आप पंतनगर यूनिवर्सिटी से ले जा सकते हैं, यहीं से ले जा सकते हैं या फिर? ना ना, यहीं से आपका पैसा वहाँ जो कार्यालय है। हाँ, ऑफिस। हाँ हाँ, वहाँ पैसा। कार्यालय कहाँ पे है? कहाँ ही, सामने तो है। अच्छा, इधर ही बगल में। हाँ ठीक, तो आप अगर आपको अगर ये खाद चाहिए, तो जो जैविक खाद है,
वहीं से पर्ची आपका कट। ये आप यहाँ से 600 रुपये कुंटल ले जा सकते हैं, और केंचुए की जो यहाँ पे कीमत है, जो केंचुआ यहाँ पे पालते हैं, उसके बाद यहाँ पे 600 रुपये किलो के 600 रुपये किलो में मिल जाएगा। बाकी कुछ बेड यहाँ पे भी बने हुए हैं, ये भी केंचुए के ही हैं। हाँ, ये भी केंचुए के बने हुए हैं। तो यहाँ मतलब हो चुका है कम्प्लीट? ये अभी इसमें पानी पड़ी, उसके बाद एक बार कोड़ाई हुई, फिर इसमें दोबारा डाला जाएगा केंचुए? केंचुए नहीं, दोबारा अभी डाला जाएगा, अभी इनका खाद बनेगा। हाँ, ये बन गया, अब ये खाद बनेगा। चलो ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, अभी केंचुए इकाई से हम लोग जा रहे हैं, केंचुआ पालन इकाई से हम लोग जा रहे हैं डेयरी फार्म की तरफ। तो वैसे तो इस एरिया को पूरा डेयरी फार्म बोलते हैं। और ये है भाई बर्मी कंपोस्ट खाद परियोजना, जो कि आपको मैंने अंदर दिखा दिया था। अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं सैक्सनिक डेयरी फार्म। तो अभी चलते हैं अंदर, यहाँ पे पशु चिकित्सालय भी है। बाकी ये है भैया यहाँ का गेट, और चलते हैं इसके अंदर। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। माता जी थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे आप मेरे को? हाँ बोलिए। बता दीजिए मेरे को यहाँ के गाय भैंस कैसे पालते हैं, क्या है? गाय भैंस कैसे पालते हैं जी? गाय भैंस अपना पालते हैं, चारा देते हैं, पानी देते हैं। अच्छा, उसके बाद अपना दाना दे दीजिए, उनका सेवा करिए अपना टाइम टाइम से। कौन कौन से प्रकार की यहाँ पे गाय? देखिए बेटा, ये मुर्रा है, काला वाली मुर्रा है, ये मुर्रा है, मुर्रा है, वो सहवाल है, ये दोनों मुर्रा है, ये दोनों, ये वो मुर्रा नहीं है लेकिन मुर्रा में है, लेकिन थोड़ा टिकरी हो गई है वो। अच्छा, और ये सहवाल है, ये सहवाल है। हाँ, सहवाल, वो भी सहवाल है। ये है सहवाल। हाँ, वो सहवाल है, देखिए वो है। अच्छा, उधर उधर सारे सहवाल हैं। ये दोनों, ये भी एक मुर्रा है, सहवाल है। अच्छा दोस्तों, ये सारी जो आपको यहाँ पे बछड़ा बछड़े वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सारे सहवाल करके एक इनकी सहवाल ब्रीड करके आती है। हाँ। तो वो ब्रीड है ये सहवाल की। हाँ। और बाकी यहाँ पे और कौन कौन सी ब्रीड है आइए दिखाते हैं। ये भी देखिए मुर्रा भैंस है, ये सारी अंदर मुर्रा भैंस। हाँ, आप तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं तबेले में, और ये है भैया मुर्रा भैंस, ये ब्याने वाली है। और ये सारी आपको ना, ये सारी मुर्रा भैंस है, जितनी भी आपको यहाँ दिख रही है सारी मुर्रा भैंस है। तो भैया मेरे को ना इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मैं यहाँ पे आ गया पंतनगर में, तो मैंने सोचा यार कि थोड़ी बहुत ना आंटी यहाँ पे काम करती हैं, तो इनसे जानकारी ले लेता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं पूछ लेता हूँ उनसे। तो इनसे यहाँ पे पता किया। तो ये डर रही है क्या? अच्छा 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 डर नहीं लगता है। ये सारी मुर्रा हैं, और ये सहवाल, ये सहवाल है। तो भैया यहाँ पे जो जितनी भी गाय और भैंस है ना, तो इनका दूध पूरे यूनिवर्सिटी में जाता है, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हो गए, और जो वहाँ के क्वार्टर हैं। तो ये आपको ये सहवाल, ये सहवाल है देसी वाली, देसी देसी से कहा जाता है। अच्छा, तो ये है भैया आज आपको ना तबेले के, तबेले का ब्लॉग मिल रहा है आज, तबेले का ब्लॉग। दुकान करने वाला एक आदमी पर तरह तरह जानवर पड़ती है। एक आदमी पे 13 जानवर, 13 जानवर दूध निकालने के लिए। अच्छा, 12 किसी की पड़ जाती है, किसी की 13 पड़ जाती है। हाँ, मतलब वही 12-13 के, नहीं कोई आता है ज्यादा ही पड़ जाती है। हाँ, सही बात है। अब देखिये मुर्रा बच्चे हैं, दूध वाले हैं। अच्छा, ये देखो भैया, ये है देखो मुर्रा भैंस है ना, जो मुर्रा भैंस के ये बच्चे हैं, दूध वाले हैं। ये सारी सहवाल हैं। ये भैया ये तो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं मेरे को भाई, मेरे पहुंचते ही। तीनों बड़ा सहवाल है, ये सब तीनों में, तीनों बाड़े में भैया ये सहवाल हैं, सहवाल के बच्चे। साहिवाल, साहिवाल बोलते हैं ना इनको, साहिवाल। तो इसका जो मेन है, जो इसको बोला जाता है, साहिवाल बोला जाता है। देखिए जर्सी है, ये जर्सी गाय है। तो ये जर्सी गाय के बच्चे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी गाय कौन सी होती है? सबसे देखिए दूध में अच्छा नस्ल यही गैया है खाने के लिए। अच्छा, लेकिन ज्यादा दूध जर्सी देती है। अच्छा, दूध ज्यादा जर्सी, जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है। और थोड़ा इनका भी दूध 12-13 लीटर एक बार देती है। इनका दूध अच्छा होता है? अच्छा होता है, मोटा होता है, बीमार जल्दी ना पड़ती है। अच्छा, इनका दूध अच्छा होता है। और कितने टाइम से काम कर रहे हो? हम तो देखिए बेटा, हमने तो 20 साल हो गया काम करते हैं यहीं पे, यहीं पर। अच्छा, तो आपको यहाँ क्वार्टर वगैरह भी मिला होगा? हाँ, झोपड़ी, हम लोग कच्ची झोपड़ी है बेटा। अच्छा, हम लोग बिजली बिल नहीं लगता है। हाँ,
क्वार्टर भी नहीं लगता है। अच्छा अच्छा हाँ चलो सही है। हाँ लड़का है तो एक पढ़ता है मरताली में है, पढ़ता इधर मरताली है उसमें पढ़ता है। अच्छा चलो ठीक है आंटी। हाँ ये देखिए दूध वाली है, ये सारी दूध देने वाली भैंसें हैं, तो ये सारी मुर्रा है ना? हाँ, मुर्रा सारी मुर्रा भैंस। तो आंटी यहाँ पे टोटल कितने जानवर हैं? टोटल जानवर यहाँ हैं गाय और भैंस दोनों मिला, गाय भैंस सब मिल कर के नहीं होगा तो 8,000 ले होगी, 800 ले, 800 ले, 800 800 अच्छा कम होगी चाहे बेसी होगी अभी नहीं करता है। तो भैया इस डेयरी में लगभग 800 जानवर हैं जो गाय और भैंस दोनों मिला के, ये कटिया है, ये सहवाल दूध वाली है और ये सहवाल है दूध वाली सहवाल। देखिए तो इनको ना कुछ इस तरह से रखा जाता है, तो यहाँ पे ना देखो इस तरह से इनका देखो दे रखा है बाड़ा नंबर 11, बाड़ा नंबर 1, बाड़ा नंबर 2, पशु संख्या को इसके आगे ना पूरा चीज़ें दे रखी है कि पशु संख्या, यानी कि इसके अंदर आपको 27 नंबर के जानवर, मतलब 27 टोटल क्वांटिटी जो होगी जानवरों की 27 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी प्रजाति लिखी हुई है कि किस प्रजाति की ये भैंस है। अच्छा इनकी नीलामी होती है या फिर इनको गांक बोल के बेचते हैं ना? अच्छा एक रेट अपना बता देते होंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर का रेट बताएंगे। हाँ मान लीजिए जैसे सिक्योरिटी जमा हो जाता 2500, उसके बाद अब आपका 40,000 पर डांक बोल देते हैं और हम 50 कर दिए, वो 60 कहे, वो 80 कहे, ऐसे ऐसे खुल जाती है जान। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, दी आती है तो उतना वो कर नहीं पाते हैं, उसी अलग उनके अलग कर दिया जाता है बच्चों पे। तो इनको सहवाल का ही दूध पिलाया जाता है? दूध पिलाया जाता है। अच्छा अलग से दूध के गर्म कक है ठंडा कक है। ये कौन सी वैरायटी है? एक जर्सी है। जर्सी तो इन्हीं को क्यों पिलाया जाता है, बाकियों को क्यों नहीं पिलाया जाता? अब बाकी ये है जो सहवाल का दूध थोड़ा मोटा होती है, जब ये शुरुआत इनके पिया जाता है सहवाल। अच्छा अच्छा तो इनको माँ का दूध नहीं पिलाया जाता? नहीं पिलाया जाता। अच्छा अब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा ना कि ये छोटी छोटी जो गाय हैं, छोटी छोटी गाय के बछड़े हैं, तो इन बछड़ों का एक स्पेशलिटी मेरे को आज जानने को मिली, यहाँ पे जानने को मिली कि होता क्या है यहाँ पे, कि इन जो बछड़ों को इनकी माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है। अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं पिलाया जाता है, अब माँ जी को भी इतना नहीं मालूम है, आंटी जी जो हमारे मेरे को यहाँ पे घुमा रही हैं उनको भी इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं मालूम है क्योंकि यहाँ पे काम करती हैं, तो बस वही इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता होगा वही करती होंगी। बट कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा इसका कि यहाँ पे इनको इनकी माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, इनको पिलाया जाता है। ये एक्चुअली ये हैं जर्सी गाय हैं और इनको जो दूध पिलाया जाता है वो सहवाल गाय है ना, जो सहवाल गाय है उसका दूध पिलाया जाता है। तो ये देखो कितनी प्यारी सी हैं, तो इनको सहवाल का दूध गर्म करके पिलाया जाता है, जैसे बच्चों को पिलाया जाता है ना अपने घर में, तो उसी तरह से इनका ऐसे ख्याल रखा जाता है कि इनका गाय का दूध आता है गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर जाके ये दूध पीते हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, काफ़ी सारी जानकारियाँ हमको यहाँ पर मिली, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आंटी ने हमको बताई यहाँ पर, और जो इनका जो प्रजाति है ना, जो मुर्रा सॉरी जो सहवाज है, सहवाज प्रजाति है, तो वो सहवाज प्रजाति की जो गाय होती है ना उसका दूध पिलाया जाता है उन बछड़ों को। तो दोस्तों मैं आज आपको ना ऐसी ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो आपको शायद पंतनगर के किसी भी ब्लॉग में आपको देखने को नहीं मिली होंगी, तो वो सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आप ये जो छोटा सा पार्क देख रहे हैं ना, ये है हमारा जो एक्चुअली जिस टाइम पे हम छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, उस टाइम पे हम इसी जगह पे आके यहाँ पे खेला करते थे, क्योंकि हम ये हमारा बस स्टैंड हुआ करता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पास में थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना, अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो एक स्कूल है, वो पहले से भी था, बट थोड़ा सा पास थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे ना, वहाँ पे हमारा बस स्टैंड था, वहाँ से हम लोग मॉर्निंग में जब यहाँ पे रुका करते थे ना, तो ये इस टाइप के कुछ छोटे छोटे यहाँ पे झूले वगैरह और ये इस टाइप के कुछ होते थे, तो यहाँ पे हम लोग इस छोटे से पार्क में हम लोग खेला करते थे। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ TDC के प्लांट में, और काफ़ी टाइम पहले जिस टाइम पे हम छोटे हुआ करते थे ना, यहाँ पे हमारा बस स्टैंड हुआ करता था, और अभी चलते हैं TDC के अंदर, थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। एक्चुअली आज तो है भैया संडे, तो बाहर पहले से लिखा हुआ है भैया अवकाश दिवस रविवार, तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, बस थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। बाकी अंकल जी से हमने परमिशन ले ली है, थोड़ा बहुत एक बार घूम के आ जाता हूँ। तो भैया अभी अंकल जी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए हैं, और थोड़ी बहुत जानकारी है वो जो भी चीज़ें यहाँ पे है ना, जो जो चीज़ यहाँ पे होती है इस प्लांट में, वो सारी जानकारी हमको यहाँ पे अंकल जी देने वाले हैं।
तो भैया मतलब आज सच में आज मेरा दिन ना भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था ना तो मेरे को संडे है करके मना कर दे रहे थे हर जगह पे, बट आज मैं फिर से आया और आज जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना वहाँ पे मेरे को हर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उसको अंडर साइज हम करते हैं। अच्छा, जीसी वगैरह अंडर साइज? हाँ अंडर साइज। अच्छा वो है, तो इनका कोई यूज़ नहीं होता है क्या? ये जो है कि ये फार्म का है, ये अपना उठा कर ले जाएंगे। इनका करेंगे क्या? ये जो है कि जो भी करें या नीलाम करें चाहे जो भी करें। अच्छा, ये है अंडर साइज? हाँ। तो ये मतलब ये पतले होते होंगे ना? हाँ पतले होते हैं। साइज इनका पतला होता होगा। तो ये जो कुछ मतलब जो इनके काम का यूज़ का नहीं होता है ना, वो इस तरह से कुछ रख दिया जाता है। यहाँ पे कितने कितने गोदाम है टोटल? इसमें छः छः गोदाम है। तो ये पहला जो रहता है ये है आपका, इसमें हमने धान और गेहूं डाला, उसके बाद ये यहाँ पाइप है आगे ये इसकी मशीन। अच्छा ये पाइप है। हाँ पाइप है। हाँ हाँ इससे जैसे हमने इस मशीन में लिया। ठीक 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 है। हाँ ये मशीन उसमें जाए कि हमको जाए कि फिट नहीं है। ये मशीन हमें ऊपर, ये मशीन से कहाँ जाएगा? ये मशीन जाएगी? ये नहीं है मशीन। अच्छा वो सामने वो है सामने। हाँ 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 पाइप बना हुआ है। ये ठीक हाँ यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगा। तो दोस्तों इस टाइम पे मैं हूँ नगला के TDC फार्म में, और TDC को जो बोलते हैं ना तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, तो जिसको भाई हम लोग लोकल में हम लोग जो यहाँ पे जानने वाले हैं किसी से भी आप पूछ सकते हैं TDC करके, तो वो आपको TDC फार्म पे ले जाएगा। तो TDC फार्म के बारे में अंकल जी ने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जो कि काफ़ी चीज़ें तो मेरे सर के ऊपर से निकली। बाकी भाई ऐसा प्लांट है ना कि यहाँ पे आप धान गेहूँ कुछ भी लेके आओ और यहाँ पे बीज बन के वापस जाएगा। तो भाई मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लिटरली मेरे ना सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि एक तो वैसे ही प्लांट बंद था, अगर चालू होता तो समझ में आता बाकी, लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस है ना भाई बहुत तगड़ा है यार, जो बीज बनाने का है वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो भाई ये है सामने प्लांट पूरा, और सामने आप देख रहे हैं ये है ऑफिस, सामने है मेन गेट, और इसके जस्ट पीछे आपको जो ये गोडाउन वगैरह हैं, और इसके ठीक पीछे आपको प्लांट मिल जाएगा जिस प्लांट से अभी होके हम लोग आए हैं। तो फिलहाल चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से आगे को,